प्यारे विद्यार्थियों, आज आपां तुहाडे पंजाबी दे व्याकरण भाग दे विच्चों विश्राम चिन्ह दे रहिंदे विश्राम चिन्हां दे संकल्प दी दोहराई करांगे। पिछली कुछ वीडियो विच आपां विश्राम चिन्ह दे परिभाषा अते विश्राम चिन्हां दे जिवें कि डंडी, कामा, प्रश्न चिन्ह, अर्ध विश्राम चिन्ह, दुविंदी जां कोलन जां बिंदी कामा, बिस्मिक चिन्ह अते पुट्ठे कामे, इत्थों तक इस दी दोहराई कीती सी। आओ हुण आपां अज दी इस वीडियो विच रहिंदे विश्राम चिन्हां दे संकल्प दी दोहराई करदे हाँ। नंबर 8 ब्रैकेट। किसी वाक जां शब्द दे अर्थ नूं होर स्पष्ट करन लई ब्रैकेट दी वरतों कीती जांदी है, जिवें गीता हर समय स्याणप। जेकर आपां सियाणप दे अर्थ नूं स्पष्ट भाव चंगी तरह समझना होवे तां आपां इसदा दूजा अर्थ होगा उस नूं ब्रैकेट दे विच इस तरह लिख देवांगे, जिवें कि सियाणप दा अर्थ है अकल, अकल नूं असीं ब्रैकेट विच लिख देवांगे। गीता हर समय सियाणप तों कम लैंदी है। नंबर 9 बिंदी। पंजाबी विच इस विश्राम चिन्ह दी वरतों इन्नी नहीं हुंदी। इस दी वरतों अंकां दे पिछे जां संखेप विच लिखियां डिग्रियां जां किताबां दे पिछे हुंदी है, जिवें MBBS, MA, IAS, PhD आदि। छुट मरोड़ी। जेकर बोलचाल दी भाषा नूं लिखण वेले कोई अक्षर छड्या जावे तां उस दी थां छुट मरोड़ी पाई जांदी है, जिमें चचा, चचा जां चों। इस दे उपर आपां बोलिक दी भाषा विच छुट मरोड़ी दी वरतों इस दे उपर करदे हाँ। बणतर वजों यह विश्राम चिन्ह एक कामे वांग है। अंतर यह है कि कामा अखर दे हेठले पासे लगता है अते ए उपरले पासे, जिमें साडी रहायश खेत च ही है। प्यारे बच्चों, छुट मरोड़ी दी वरतों असी हमेशा अखर दे उपर करते हाँ, जिमें कि चचे दे उपर यह कामा लग्या है, इसनों छुट मरोड़ी कहा जाता है। चंगे इंसान कदे मत्थे ते बट नहीं पाउंदे। नंबर 11 डैश। ए विश्राम चिन्ह वेखण नूं जोड़नी जिहा है।